20 मई को पांचवें चरण के लिए वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण बिगड़ सकता है। ये भी जानते हैं कि 20 मई को उत्तर प्रदेश की किन 14 सीटों पर मतदान होगा। ज्यादातर सीटें अवध हिस्से की हैं। रायबरेली है इसमें, जहां से खुद राहुल गांधी उम्मीदवार हैं। अमेठी, जो स्मृति ईरानी का क्षेत्र है, इसके अलावा लखनऊ की बगल की सीट मोहनलालगंज, बाराबंकी, बुंदेलखंड से हमीरपुर, बांदा, झांसी, जालौन, इसके अलावा फतेहपुर, राजधानी लखनऊ की सीट और तराई के भी कुछ जिले हैं इसमें। इसके साथ ही गोंडा, कैसरगंज, कौशाम्बी और फैजाबाद की सीट यानी कि अयोध्या, यहां पर मतदान होना है 20 तारीख को, सोमवार को। दरअसल पांचवें चरण से पहले हुई कई सियासी घटनाओं ने सूबे की कई सीटों के समीकरण पलट दिए हैं, जिनसे सियासी पार्टियों को फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। जिन सीटों का समीकरण बना और बिगड़ता दिख रहा है, उनमें कौशाम्बी और जौनपुर अहम है। हालांकि जौनपुर में छठे चरण में वोटिंग होगी, लेकिन कौशाम्बी लोकसभा से एनडीए ने बीजेपी के विनोद सोनकर को एक बार फिर से टिकट दिया है। तीसरी बार वो मैदान में है। यहां से इंडिया गठबंधन ने पुष्पेंद्र सरोज और बीएसपी ने शुभ नारायण को कौशाम्बी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया है। 25 मई को होने वाले छठे चरण में जौनपुर में मतदान होगा, लेकिन सियासी घटनाओं की वजह से जौनपुर का समीकरण बदला बदला नजर आ रहा है। जौनपुर में एनडीए ने बीजेपी से कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। बीएसपी ने अपने सिटिंग सांसद श्याम सिंह यादव को आखिरी दिन मैदान में उतारा। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इन दोनों सीटों पर अगर सियासी घटनाओं का असर वोट ट्रांसफर में होता है तो कई सीटों का गोड़ा गणित खराब होगा, बिगड़ेगा। इस सियासी घटनाक्रम में सबसे पहला नाम आता है राजा भैया का, रघुराज प्रताप सिंह का, जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा के विधायक। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया राजा भैया ने लोकसभा चुनाव में अपने समर्थकों से तटस्थ रहने के लिए कह दिया है। राजा भैया ने अपने समर्थकों से स्वतंत्र होकर वोट देने को कहा है। कहा जा रहा है कि राजा भैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग की थी और उसके कुछ ही वक्त बाद यह ऐलान किया। क्या कह रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह? आने वाले चुनाव में अपने मनमर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। कुछ लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा। हमारे लिए यह खुशी की बात है कि जो आप गले में और माथे पर जो आज जनसत्ता का झंडा, यह झंडा हमेशा चमकता रहेगा। और हमें दोनों की सरकार से जैसा चाहे जीता हुआ है, कल के दिन अगर वो आपके काम ना आए तो हम तो है ही नहीं। तो अब आपको बताते हैं कौशाम्बी लोकसभा सीट पर राजा भैया का असर कितना है। दरअसल उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर राजा भैया का असर माना जाता है, दबदबा रहा है। लेकिन राजा भैया ने कौशाम्बी सीट से इस बार अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। कौशाम्बी लोकसभा के 5 में से 2 विधानसभा सीटों पर जनसत्ता दल के विधायक हैं। खुद राजा भैया की सीट भी कौशाम्बी लोकसभा में आती है, जिला भले प्रतापगढ़ है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी सीट पर राजा भैया के उम्मीदवार को 156,000 वोट मिले थे। हालांकि राजा भैया के उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर पाए। कहा जा रहा है कि राजा भैया के अपना उम्मीदवार ना उतारने से कौशाम्बी सीट का समीकरण बदल गया है। इसका असर दूसरी पार्टियों पर पड़ सकता है, लेकिन कौशाम्बी सीट पर अगर बीजेपी का सियासी गढ़ देखें तो कौशाम्बी सीट पर बीजेपी की पकड़ ठीक ठाक सी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कौशाम्बी लोकसभा सीट पर जीते बीजेपी के कैंडिडेट विनोद कुमार सोनकर। बीजेपी के सोनकर को 383,000 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज ने 344,000 वोट हासिल किए, जबकि तीसरे स्थान पर रहे जनसत्ता दल के शैलेंद्र कुमार पासी। 2014 के आम चुनाव में भी इसी बीजेपी की झोली में गई थी, तब भी विनोद कुमार सोनकर ने जीत दर्ज की थी और सपा के शैलेंद्र कुमार को करीब 44,000 वोटों से हराया था। अब जौनपुर सीट की बात करते हैं। यहां सियासी समीकरण जो बदले हैं उनका विश्लेषण करते हैं। दरअसल जौनपुर सीट में छठे चरण में वोटिंग होगी, लेकिन धनंजय सिंह के यूटर्न से इस सीट का सियासी गणित बिगड़ गया है। दरअसल बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी शिकला रेड्डी को जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। शिकला ने पर्चा भी दाखिल कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। नामांकन के अंतिम दिन मायावती ने अपने सिटिंग सांसद श्याम सिंह यादव को टिकट देने का ऐलान कर दिया। पर्चा दाखिले के बाद टिकट कटने से धनंजय सिंह खफा हो गए और कहा कि लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। शिकला ने गृहमंत्री से मुलाकात भी की। 2014 जो चुनाव था लोकसभा का, वो धनंजय सिंह ने आखिर बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में धनंजय सिंह को करीब
65,000 वोट ही मिले थे और 2022 के मल्हनी विधानसभा सीट पर विधायकी का चुनाव जेडीयू के टिकट पर लड़ा दूसरे नंबर पर आए थे। धनंजय सिंह की पत्नी शिकला रेड्डी जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और इसी तरह अखिलेश यादव को समर्थन देने वाले महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने भी बिना शर्त एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया। केशव देव मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लगातार हो रही उपेक्षा के बाद महान दल ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला लिया है। अब ऐसे सियासी घटनाक्रम के आपको बताते हैं इनके बारे में जिन्हें सूबे की सियासत की समीकरण जिससे बदले हुए हैं। दरअसल पांचवें चरण के चुनाव में पहले जो अहम सीट है पांचवें चरण की रायबरेली, यहां विधानसभा सीट है ऊंचाहार। यहां से सपा के विधायक हैं मनोज पांडे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। गृहमंत्री अमित शाह ने एक रैली में मनोज पांडे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मनोज पांडे राज्यसभा चुनाव के समय ही सपा से बागी हो गए थे, सपा के चीफ व्हिप थे लेकिन पार्टी के खिलाफ वोट किया। रायबरेली से टिकट नहीं मिलने से बीजेपी से नाराज भी थे, हालांकि उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए खुद गृहमंत्री अमित शाह उनके घर गए थे। रायबरेली की ऊंचाहार सीट पर मनोज पांडे का अच्छा खासा दबदबा रहा है। किसी जमाने में अखिलेश यादव के खास रहे मनोज पांडे 2012 से रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक है, तीन बार लगातार जीते उन्होंने। 2022 के चुनाव में भी उन्हें 82,000 से ज्यादा वोट मिले और 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली लोकसभा में ऊंचाहार सीट पर सोनिया गांधी को 1,03,000 वोट मिले थे। ऊंचाहार में अगर मनोज पांडे सियासी समीकरण बिगाड़ते हैं तो यहाँ का समीकरण राहुल गांधी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। दल बदल और समर्थन के बदलते सियासी समीकरण के बाद अब आपको इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर बदलते सियासी समीकरण के बारे में बताते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन में हर पार्टी का नेता खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है। कोई भी नेता प्रधानमंत्री पद के लिए खुलकर बात नहीं करता। समाजवादी पार्टी के नेता जहां अखिलेश यादव को पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो केजरीवाल खुद को पीएम पद का दावेदार घोषित करते रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार माना जा रहा है। पांचवें चरण के मतदान से पहले अखिलेश और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से राहुल के पीएम दावेदारी को लेकर सवाल पूछा गया। हालांकि अखिलेश यादव बहुत समझदारी से इस सवाल से बचते बचते नजर आए। कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल, उसमें भी कोई नहीं बताएंगे, हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है। अब जरा अरविंद केजरीवाल को सुन लीजिए जिन्होंने खुद ही अपने आप को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। दरअसल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धुआंधार चुनाव प्रचार और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। केजरीवाल जनता को दिल खोलकर गारंटी दे रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं ये गारंटी इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर पूरी होगी। फ्री में बांट रहे गारंटीज पर जब मीडिया ने केजरीवाल से पूछा कि आप ये गारंटी किस बुनियाद पर दे रहे हैं, क्या गारंटी देने से पहले आपने इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं से पूछा, ऐसे में केजरीवाल पूरी तरह से असहज हो गए और केजरीवाल तुरंत इंडिया गठबंधन के नेताओं से माफी मांगने लगे। आजकल देश में मोदी की गारंटी की भी चर्चा चल रही है। जनता तय कर ले कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। आप पीएम की गारंटी के सापेक्ष अपनी गारंटी लाए हैं, आपने अपने कुलवीर से भी बात नहीं, सबसे बात करके लाया हूं मैं। जो इंडिया अलायंस है, मैं सहमत हूं, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर से, क्योंकि समय कम था, चुनाव आधा बीत चुका है, मैं माफी मांगता हूं उनसे। दरअसल इंडिया गठबंधन ने देश के सामने अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा सामने नहीं रखा है, जिससे जनता में मैसेज जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा सामने नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाता है तो प्रधानमंत्री पद के लिए खींचतान मच सकती है। मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा फाइनल न होना भी सूबे की कई सीटों का सियासी समीकरण बिगाड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए पांचवां चरण सबसे अहम है। कांग्रेस पार्टी इस चरण में लोकसभा की चार सीटों रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी और बुंदेलखंड से झांसी से चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में बदलते सियासी समीकरण का सबसे बुरा असर इंडिया गठबंधन पर पड़ सकता है, क्योंकि आखिरी वक्त में नेता मन बदल ले रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। मनोज पांडे इसमें एक बड़ा नाम फिलहाल जुड़े। मनोज पांडे गृहमंत्री अमित शाह की रैली थी रायबरेली में, वहां बीजेपी में शामिल हो गए और इससे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को मिला। हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए अप्रत्याशित नहीं था,
क्योंकि राज्यसभा चुनाव में इतने बड़े दिग्गज का क्रॉस वोटिंग करना, ये तय माना जा रहा था कि आज नहीं तो कल मनोज पांडे बीजेपी में आएंगे।